आज की क्लास का टॉपिक रहेगा चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। उसका टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, कि किन प्रॉपर्टी के बेस पर हम इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं, इंटीजर्स को सबट्रैक्ट कर सकते हैं, इंटीजर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंटीजर को डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रॉपर्टी मिलती है अपनी क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी ओवरऑल सबको साथ में लेके चलते हैं, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन और देन डिवाइड। चारों प्रॉपर्टीज एक साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ये कह रहा है जब किसी दो इंटीजर्स को आपस में ऐड किया जाता है, व्हेन वी एडेड एनी टू इंटीजर्स, व्हेन वी एडेड टू इंटीजर्स द रिजल्ट इज ऑल्सो इंटीजर। ठीक है, तो रिजल्ट भी क्या होता है, अपना एक इंटीजर ही होता है। कैसे, तो फर्स्ट मैंने लिखा एड के लिए, तो इंटीजर्स ले लिया, मान लिया ए एंड बी, मैंने ए में बी को एड किया तो मुझे सी मिलेगा। कैसे मिलेगा, मान लिया मैंने लिखा 5, मैं 3 को एड करने पर 8 मिला, माइनस के 5 में प्लस का 2 एड किया, है ना, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 लेस है, 2 लेस हुआ, रिमेनिंग बचा 3, वो भी माइनस का। हमने क्या कहा कि व्हेन वी एडेड टू इंटीजर्स, व्हेन वी एडेड टू इंटीजर्स यानी जब कभी हम दो इंटीजर को आपस में ऐड करेंगे तो रिजल्ट अपना ऑलवेज एक इंटीजर ही मिलेगा। रिजल्ट क्या मिलेगा, अपना एक इंटीजर ही मिलेगा। इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं, इट मींस मैंने देखो फर्स्ट वैल्यू दोनों पॉजिटिव की ले ली, सेकंड में अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव, थर्ड में मैं आपको ये भी लिख के दे सकता हूं माइनस 3 में मैं अगर माइनस का 2 ऐड करूं तो माइनस 3, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, साइंस को पता है हमें 2 इज इक्वल टू, आंसर मिला माइनस का 5। यानी जब कभी मैंने टू इंटीजर्स को क्या किया, एड किया, तो ऐड करते ही मेरा रिजल्ट भी क्या मिला, मुझे एक इंटीजर ही मिला। तो क्या सब्ट्रैक्शन में क्या होगा फिर, तो देखो सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो अगर ए में से बी माइनस करेंगे तो सी बनेगा ही बनेगा। कैसे बनेगा, देखो कि मैंने 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, रिमेनिंग रहा 2। सेकंड थिंग मैंने देखा, एग्जांपल्स वही ले रहा हूं मैं, माइनस का 5 उसमें से माइनस करता हूं 2, सेम साइन विल बी एडेड, यानी माइनस 5 और माइनस 2 मिलके माइनस का 7, और माइनस 7 इज ऑल्सो एन इंटीजर। नेक्स्ट देखा मैंने माइनस 3 में से माइनस करूं माइनस का 2, देन माइनस 3, माइनस और माइनस प्लस, और ये 2, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, रिमेनिंग रहा माइनस का 1। ठीक है, यानी अब तक हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखा कि जब कभी टू इंटीजर्स को ऐड किया जाता है तो हमारा रिजल्ट भी क्या बनता है, एक इंटीजर बनता है, और वही अगर मैं टू इंटीजर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा रिजल्ट भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, आई थिंक यहां तक कि दोनों प्रॉपर्टीज आपको क्लियर है, क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलेगी मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो व्हेन वी मल्टीप्लाइड टू इंटीजर्स वी ऑलवेज गेट अ इंटीजर। अगर मैं दो इंटीजर्स को आपस में क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो आंसर भी इंटीजर ही आएगा। कैसे, देखो मान लिया मैंने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के 2 से, 5 टू जा 10,
ये 5 प्लस का था, 2 माइनस का 5, 2 जा 10, प्लस माइनस माइनस का 10, ठीक है ना। इससे प्रीवियस में एडिशन किया था ना हमने, तो सेम साइन विल बी एडेड कहा था हमने, तो एड करके छोड़ दिया, साइन तो माइनस का ही लगाया था हमने। बट यहाँ मैंने क्या कहा था, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो साइन विल बी चेंज, चेंज हो जाएंगे, चेंज कर दिया। देखो मैंने एक पॉजिटिव था, दूसरा नेगेटिव था, नेगेटिव बन गया। मान लिया मैं अब करूं माइनस का 3 इज मल्टीप्लाई विद माइनस 7, देन 7 3 जा 21, माइनस माइनस प्लस का 21, और प्लस लगाना जरूरी नहीं होता है, प्लस लगाना जरूरी नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई इजीली करते हैं, बट डिवाइड का देखते हैं। क्या डिवाइड करने पर ए इज डिवाइडेड बाय बी इंटीजर होता है क्या, पहले चेक करेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे कि होता है या नहीं होता है, ठीक है। चलो मैंने लिखा 6 इज डिवाइडेड बाय 2, 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम, 3 इज अ इंटीजर, 3 एक इंटीजर था, क्लियर है, कोई बात दिक्कत ही नहीं है। 5 इज डिवाइडेड बाय 3, 5 इज डिवाइडेड बाय 3, जो कि एक इक्वल नहीं है, किसके, के होल नंबर के कह दूं, या फिर इसकी जगह एक बार हम लिख सकते हैं इंटीजर्स, वो इंटीजर के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर रियलिटी में क्या है, एक होल नंबर ही तो था अपना। कहीं लिखा था कि मैं 9.3, 4.6 ऐसे लिखे थे कि नंबर लाइन के ऊपर, नहीं लिखे ना, यानी वो डेसिमल का पार्ट नहीं था, तो पॉसिबल नहीं है। मान ली मैंने यू लिखा 4 इज डिवाइडेड बाय 9, तो आंसर फिर मिला डेसिमल में आएगा, तो ये भी इज नॉट इक्वल्स टू इंटीजर, ये भी नॉट इक्वल टू इंटीजर है। इट मींस जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा टू इंटीजर्स को डिवाइड करने पे जो वैल्यू मिलेगी वो कभी भी एक इंटीजर के इक्वल नहीं होगी, कभी भी एक इंटीजर के इक्वल नहीं होगी। तो अब तक हमने देखा प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इंटीजर की, क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिशन व्हेन टू इंटीजर्स आर एडेड आल्सो गिव अ इंटीजर, व्हेन टू इंटीजर्स आर सब्ट्रैक्टेड आल्सो गिव एन इंटीजर, मल्टीप्लिकेशन पे भी इंटीजर मिलता है, बट डिवाइड करने पर सारे के सारे डिवाइड हमें इंटीजर नहीं देते। कुछ एक कंडीशन होती है जहां डिवाइड में इंटीजर्स मिलते हैं हमें, बट एवरी कंडीशन में इंटीजर्स मिले पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कैसी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कम्युनिकेट करना, जब टू इंटीजर्स को ऐड करेंगे किसी भी ऑर्डर में करो, मान लिया मैंने a प्लस बी किया या फिर b प्लस a किया, रिजल्ट मेरा रिमेन सेम रहेगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी में एडिशन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं कि एडिशन में अगर मैं दो वैल्यूज को आपस में क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, तो ऐड करते ही चाहे किसी भी ऑर्डर में ऐड किया है, मान ली लिखा मैंने 5 प्लस 3 और इधर लिखा मैंने 3 प्लस 5, तो 5 प्लस 3 भी मेरा 8 होगा और 3 प्लस 5 भी मेरा 8 ही होगा, किसी भी ऑर्डर में चेंज करके ऐड कर दो, आंसर रिमेन सेम, क्लियर है। छोटा सा क्वेश्चन था, है ना, वही अगर मैं सब्ट्रैक्शन में चलूं तो क्या होगा, यानी सेकंड प्रॉपर्टी मैंने किसके रिगार्डिंग लगाई है, सब्ट्रैक्शन के रिगार्डिंग। ए माइनस बी, क्या मेरे b माइनस a के इक्वल हो सकता है क्या, देखते हैं। देखो मान लिया यहां लिखा मैंने 4 माइनस 13 और यहां लिखा मैंने 13 माइनस 4, यानी मेरा a किसको डिनोट करता है, 4 को, और b डिनोट करता है 13 को। फर्स्ट केस में 4 में से 13 माइनस करूंगा और सेकंड में 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो देखें
तो 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ 9 और साइन विल बी अ ग्रेटर डिजिट. ग्रेटर कौन था? 13 माइनस का, इट मींस 9 किसका है? हमारा माइनस का. सेकंड साइड देखा मैंने, 13 में से 4 लेस किया, रिमेनिंग रहा 9. इस बार 13 हमारा पॉजिटिव था तो 9 भी पॉजिटिव आ गया. क्या 9 पॉजिटिव और 9 नेगेटिव इक्वल हो सकते हैं? कभी भी नहीं होते. इट मींस a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस a होता है. a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस a ही होगा. यानी जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो एडिशन कंडीशन तो पॉसिबल है कि a में b ऐड करूं या b में a ऐड करूं, आंसर रिमेन सेम. बट वही सब्ट्रैक्शन जब किया हमने तो सब्ट्रैक्शन करते a में से b सब्ट्रैक्ट किया मैंने तो नेगेटिव आया, b में से a सब्ट्रैक्ट किया पॉजिटिव आया. हमने बात पहले की थी कि पॉजिटिव साइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव साइन. पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से हमेशा बड़ी होती है. इट मींस एक साइड पॉजिटिव था एक साइड नेगेटिव था, दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते. इट मींस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसकी? इंटीजर्स के लिए सब्ट्रैक्शन काम नहीं करता. ठीक है, सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती. नेक्स्ट देखते हैं किसी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग. यानी फर्स्ट केस लगा था मेरा ये एडिशन का, सेकंड केस अप्लाई किया मैंने यहां आपके लिए सब्ट्रैक्शन का, थर्ड केस लगाते हैं मल्टीप्लाई. ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय ए होता है क्या? 100% होता है. कैसे? देखो, मान लिया मैंने 5 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया और इधर किया 6 मल्टीप्लाई बाय 5, दोनों में 5 नेगेटिव साइन का था, है ना. तो देखो 6 5 जा 30 प्लस माइनस माइनस का 30 जो किसके इक्वल है, 6 माइनस 5 सॉरी 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30 और प्लस माइनस माइनस का 30. यानी प्लस 30 इज ऑलवेज सॉरी माइनस 30 इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस 30. माइनस 30 और माइनस 30 आपस में इक्वल होते हैं. इट मींस अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करूं किसके लिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो वो कंडीशन भी मेरी अप्लाई होती है, वो कंडीशन भी मेरी अप्लाई हो रही है. ठीक है, यानी हमने अब तक टोटल 3 प्रॉपर्टीज का यूज किया एडिशन के रिगार्डिंग. तो एडिशन में देखा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाइड, सब्ट्रैक्शन में नॉट इक्वल्स टू यानी अप्लाई नहीं होती, थर्ड मल्टीप्लिकेशन देखा अप्लाई हो गया. क्या डिवाइड में होगा या नहीं होगा, चलो देखें कि a इज डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू b इज डिवाइडेड बाय a, क्या हो सकता है? क्या लिखा, मान लिया मैंने कि 25 इज डिवाइडेड बाय माइनस 5 और सेकंड साइड में लिखा मैंने माइनस 5 इज डिवाइडेड बाय 25. फर्स्ट कंडीशन में मैंने 25 को 5 से डिवाइड किया, 5 5 जा 25, है ना. यानी 25 अंदर था 5 बाहर था, यानी आंसर मिला मुझे प्लस माइनस माइनस का 5. क्लियर है? सेकंड केस में देखो ये 5 तो अंदर चला गया 25 बाहर आ गया. 25 की टेबल में 5 नहीं आता, डिवाइड ब्रेक का 0, फिर पॉइंट भी लग गया, ये 2 टाइम गया 50. यानी आंसर कितना आया? -0.2. मैं इसको डेसिमल में ले गया. पहली बात तो डेसिमल में लगते ही अपना इंटीजर खत्म हो जाता है ना. बट फिर भी नेगेटिव साइन सेम है दोनों के, उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो भी वो इक्वल नहीं होता. यानी ओवरऑल देखा जाए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सॉरी डिवाइड दोनों ही कंडीशन अप्लाई नहीं होती. इसके और एक्स्ट्रा एग्जांपल्स कल की क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, आज के लिए इतना ही कुछ. अगर आपके डाउट्स होते हैं तो डाउट्स के रिगार्डिंग अब बात करते हैं. ओके बेटा.